We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss include and merge tag, which are useful while designing our layout of the application, okay, the screen of our application. So let's start. Inflating, yes, we have discussed, inflating is an expensive process. Each additional nested layout and included view directly impacts on the performance and responsiveness of our application. तो जितना भी आप ज़्यादा व्यू ज़्यादा लेआउट्स बनाओ वो आपकी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है. मतलब कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि एक लेआउट में थोड़ा बहुत ही चेंज करके दूसरा लेआउट अगर बनाते हो आप तो उसको जब इन्फ्लेट करते हो आप तो इट विल टेक मच ऑफ योर प्रोसेसिंग पावर. आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग पावर उसमें ऑक्यूपाई होगा, डिवाइस का प्रोसेसिंग पावर उसमें ऑक्यूपाई होगा. और अगर ये आप बहुत बहुत बार करते हो, मतलब कि पूरी स्क्रीन में से थोड़ा भाग उसका चेंज हो रहा है, करना है उसके लिए नया लेआउट बना के हर बार उसको इन्फ्लेट कराओगे तो ये इन्फ्लेट करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा हार्ड है, डिवाइस के ऊपर थोड़ा उसका हार्डनेस रहता है. ओके, तो एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्मूथ रखने के लिए, क्लाइंट को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है. अगर आपकी स्क्रीन का थोड़ा ही भाग आपको चेंज करना है या दूसरे लेआउट जैसा कुछ करना है तो पूरा नया लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यूज़ होंगे, एक एक व्यू इन्फ्लेट होगा. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मच प्रोसेसिंग पावर. तो ऐसे केसेस में हमें दो चीज़ दी गई है, मर्ज टैग और इंक्लूड टैग. मर्ज टैग इट इज़ यूज्ड इन लेआउट. व्हेन अ लेआउट कंटेनिंग मर्ज टैग इज एडेड टू अनदर लेआउट, द मर्जर नोड इज रिमूव्ड एंड इट्स चाइल्ड व्यूज आर डायरेक्टली एडेड टू द पेरेंट. जब आपके आपके लेआउट में आप कोई ऐसा नोड, ऐसा लेआउट ऐड करते हो कि जिसमें मर्ज नोड हो, तो उस मर्ज नोड वाले लेआउट को ऐड करने से क्या होगा, मर्ज नोड रिप्लेस हो जाएगा और उसके अंदर जो भी डिफाइन किया है आपने वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा लेआउट में. जैसे कि देखो यहाँ पे ये मर्ज नोड के अंदर एक इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है. ओके, प्रैक्टिकली हम देखते हैं. सपोज कि ये मेरा एक लेआउट है, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अब मैं एक मर्ज नोड वाला लेआउट बनाता हूँ. लेआउट पे राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, अब देखो यहाँ पे रूट एलिमेंट जो है वो मैं क्या दूंगा, मर्ज. ओके, और इसको नाम देता हूँ टू बी मर्ज, ऐसा नाम दे दिया टू बी मर्ज. ओके, सोर्स सेट मेन और डायरेक्टरी नेम लेआउट ही रखा और उसके अंदर हम ओके. देखो ये मर्ज आ गया. ओके, अब इसके अंदर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू, एक इमेज व्यू में रखता हूँ. मार्जिन 20 dp, src. ओके, और एक टेक्स्ट व्यू.
ये हमारा एक मर्ज टेक बना जिसमें हमने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू को डिफाइन किया है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट व्यू है वो अपर लेफ्ट में आया है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू हमारा, ये इमेज व्यू और नीचे ऊपर ये टेक्स्ट व्यू आया है। उसकी टेक्स्ट साइज देखो, ये ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आया और ये इमेज व्यू। ये बिलो तो नहीं आएगा क्योंकि ये रिलेटिव लेआउट तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, मार्जिन ठीक है। ये दो हमारे व्यू बने मर्ज के अंदर। अब इस टू बी मर्ज व्यू को मैं इस एक्टिविटी में यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा, इंक्लूड लेआउट टू बी मर्ज। देखिए ये दोनों यहाँ पे आ गए, ओके। हम इसको एडिशनली बिलो किसके रखना है अपने को, उसके लीनियर लेआउट के बिलो रखना है, तो लीनियर लेआउट का एक आईडी देना होगा, आईडी एलएल, ओके। उसके बिलो रखेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा, हाइट विथ भी सेट करना होगा, ओके। अब देखो ये अपना कैडबरी जो है वो तो ऊपर ही है बिकॉज के उसके जो हमने एट्रीब्यूट सेट की है मार्जिन टॉप, उस हिसाब से, ओके। उसमें हमने मार्जिन दिया है 20, अगर उसको निकाल दें तो जैसे ही यहाँ पे हमने इंक्लूड किया तो ये जो टू बी मर्ज में जो भी है वो दोनों ही चीज़, दोनों ही लेआउट्स व्यूज़ यहाँ पे आ गए।
देखो सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टली हमने सेट किया तो उसको अलाइन बॉटम कैडबरी मतलब कि यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है उसको हम अगर आईडी दे दें txt Cadbury और यहाँ पे हम लिख दें above Cadbury सॉरी txt Cadbury मतलब कि ये यहाँ पे दोनों आ गए हैं। फिर यहाँ पे ये जो इंक्लूड हमारा है इंक्लूड वो यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। एक्चुअली हमें उसको कहाँ पे रखना था इस लीनियर लेआउट के बिलो बिलो लीनियर लेआउट या फिर अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू एक्चुअली इसका यूज़ ज़्यादातर केस में लीनियर लेआउट के साथ होता है क्योंकि यहाँ पे तो हमें उसको रिलेट करना होगा किसी भी चीज़ से कि पूरा जो लीनियर लेआउट है उसका हमने आईडी तो दिया है अब उसके हम बिलो सेट करवाते हैं इसको बिलो एलएल तो ये पूरा बिलो नहीं जा रहा है ठीक है ये जो इंक्लूड है वो यहाँ से ही इंक्लूड हो रहा है ग्रेविटी सेट करते हैं इसकी बॉटम ठीक है बॉटम रखा फिर भी ये इमेज व्यू वहीं पे जा रहा है ग्रेविटी बॉटम दिया इसका सपोज इसको निकाल ही देते हैं केवल एक ही लेआउट चीज़ रही इसमें वो है कैडबरी ये आ गया यहाँ पे अब सपोज कि इसको थोड़ा नीचे लाना है अपने को तो हमने जो अभी देखा कि इसके एट्रीब्यूट्स हमने जो सेट किए थे मार्जिन टॉप ये सब निकाल देते हैं ओके और इसमें वो कहाँ पे गया अपर लेफ्ट में चला गया अब इसका ग्रेविटी सेट करते हैं ग्रेविटी बॉटम ओके तो यहाँ पे बॉटम में जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जा रहा है क्योंकि रिलेटिव लेआउट है
देखो इंक्लूड इस तरह से करना है, वो भी हम ठीक तरह से ही कर रहे हैं। एक्चुअली ये लीनियर लेआउट के साथ ही ज़्यादा मैच होता है, तो इसको एक काम करते हैं, अपना जो लेआउट है यहाँ पे वो लीनियर लेआउट, और उसमें हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन को वर्टिकल करेंगे, ठीक है। और ये जो बटन्स हैं सब वर्टिकल आ गए हैं। ये जो नीचे वाला है लीनियर लेआउट नेस्टेड, उसको मैं निकाल देता हूँ और इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड टू बी लेआउट टू बी मर्ज, ठीक है, आ गया नीचे। अब सपोज हमने जो इमेज भी रखा था वो भी अगर हम रख दें इसमें, ये लीनियर लेआउट बटन ये एरर किसकी बता रहा है, हमारा जो टू बी मर्ज्ड है जिसमें हमने पहले इमेज व्यू रखा था, उस इमेज व्यू को अगर रख दें हम यहाँ पे, और आगे वर्टिकली, वर्टिकल एक्चुअली क्या होता है कि जब ये व्यू हमने डिफाइन किया तो इसको जब हमने इंक्लूड किया यहाँ पे, तो जहाँ पे इंक्लूड किया है उस जगह पे वो दोनों टैग ही आ जाएंगे डायरेक्टली, तो वो दोनों टैग इसी लेआउट में मर्ज हो जाएंगे। ये जो लीनियर लेआउट है अपना जो पेरेंट लेआउट, उसी में वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम सपोज कि कोई तीसरा भी रखते हैं, देखो वो भी तीन चीज़ें रखी हमने, ये अपना इंक्लूड आ गया,
पहला इमेज व्यू, दूसरा और तीसरा वाला जो है ये वाला। देखिए जब हमने मर्ज में डिफाइन किया तो वो एक वहाँ पे तो कोई लेआउट है ही नहीं, तो वो तीनों को एक साथ डिस्प्ले कर रहा है मर्ज टेक। मगर ये तो डिस्प्ले दूसरे लेआउट से होने वाला है, यहाँ पे हमने उसको इंक्लूड किया, तो देखो ये तीनों वर्टिकली अरेंज हो गए। तो ये होता है एडवांटेज मर्ज का कि आपको स्क्रीन का कोई पार्ट सपोज कि चेंज करना है तो वापस दूसरा लेआउट नहीं बनाना है, आप दूसरे ऐसे लेआउट को यहाँ पे मर्ज भी कर सकते हो। तो क्या होगा कि ऊपर का जो लेआउट है आपका, ऊपर के व्यूज़ वो एज इट इज़ रहेंगे, उनको वापस इन्फ्लेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये उसका मेन एडवांटेज है। अगर दूसरा लेआउट बनाते हो आप तो ये सभी व्यूज़ ऊपर के व्यू जो एज इट इज़ रखने थे वो भी इन्फ्लेट होंगे और ये नीचे वाले भी इन्फ्लेट होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये केवल ये व्यू और उसमें ये व्यू एड हो जाएंगे। ये होता है मर्ज का एडवांटेज। अब जो दूसरी चीज़ है वो है इंक्लूड। Include tag is used to insert the contents of one layout to another. अब include का हमने अभी उपयोग देखा कि इसके द्वारा हमने जो merge tag से define हुए थे layouts, views, उनको भी यहाँ पे include किया, as well as include के द्वारा हम पूरा एक layout भी include कर सकते हैं अपने दूसरे view में। देखो यहाँ पे ये to be merge है अपना, ठीक है। इसी तरह से suppose ये अपना एक रेडियो बटन वाला लेआउट है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी रेडियो बटन डेमो ऐसा नाम है उसका। तो अपना जो करंट लेआउट है जिसमें मैंने मर्ज का यूज़ किया था, तो मर्ज को निकाल के सपोज मैं अब यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ लेआउट, रेडियो बटन्स डेमो। देखो ये पूरा लेआउट यहाँ पे इंक्लूड हो गया। पूरा लेआउट इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कुछ ही व्यूज़ आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं तो वो भी कर सकते हो। पूरा लेआउट जो आपने कहीं पे बनाया हुआ है उसको इसके साथ कंबाइन करना है करंट लेआउट के साथ, तो ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा लेआउट दूसरा ही आ गया, करंट लेआउट ये जो है हमने डिफाइन किया वो, और उसमें ये दूसरा कोई लेआउट कहीं पे और जगह पे डिफाइन किया था वो भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो ये होता है एडवांटेज इंक्लूड और मर्ज का। पूरे लेआउट को आपको वापस से डिज़ाइन नहीं करना है, अदरवाइज़ वापस पूरा व्यू इन्फ्लेट कराओगे तो क्या होगा, लेआउट इन्फ्लेट कराओगे तो कि प्रोसेसिंग पावर आपका बहुत कंज्यूम हो जाएगा एंड इट इज़ ए कंबर्सम टास्क फॉर द डिवाइस। ओके, तो इस तरह से हम मर्ज और इंक्लूड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने PDF में भी बताया हुआ है। सी, यूज़ द इंक्लूड टैग Inside the layout to which you want to add the reusable component, add the include tag. For example, here is the layout that includes the title bar. अब जो ये एक layout मैंने define किया है वो एक title bar है। देखिए ये linear layout है जिसका vertical orientation है और उसमें दो buttons हैं। फिर ये layout 2 है जिसमें हमने include किया layout 1 को, तो वो जो दोनों buttons हैं वो इसमें arrange हो जाएंगे vertically. You can also override the layout parameters of the include layouts root view by specifying them in the include tag. यहाँ पे हम include में भी वो जो views को हमने define किया है यहाँ पे, इन दोनों के जो attributes है उनको हम override कर सकते हैं यहाँ पे वापस define करने से, redefine करने से। However, if you want to override layout attributes using the include tag, you must override both layout height and width in order for the attributes to take effect. उसी तरह से जो मर्ज टैग हमने डिफाइन किया, इट हेल्प्स एलिमिनेट रिडंडेंट व्यू ग्रुप्स इन व्यू हायरार्की व्हेन वन इंक्लूडिंग लेआउट विद अनदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर मेन लेआउट इज़ वर्टिकल लीनियर लेआउट इन विच टू कंसेक्यूटिव व्यूज कैन बी रीयूज इन मल्टीपल लेआउट्स, देन द रीयूजेबल लेआउट इन विच यू प्लेस द टू व्यूज रिक्वायर इट्स ओन रूट व्यू। हाउएवर, यूजिंग द अनदर लीनियर लेआउट एज द रूट फॉर द रीयूजेबल लेआउट वुड रिजल्ट इन वर्टिकल लीनियर लेआउट इनसाइड अ वर्टिकल लीनियर लेआउट।
अब सपोज कि एक लेआउट में दूसरा लेआउट आप इंक्लूड करते हो और दोनों ही लीनियर लेआउट है और जो इंक्लूड किया है वो भी वर्टिकल है, तो क्या होगा? एक वर्टिकल लेआउट के अंदर दूसरा वर्टिकल लेआउट। द नेस्टेड लीनियर लेआउट सर्व्स नो रियल पर्पस। इसमें जो आपने इंक्लूड किया है लेआउट को दूसरा, उसका कोई पर्पस नहीं रहता देखा जाए तो। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम मर्ज लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। देखो मर्ज लेआउट में हमने कोई लेआउट मैनेजर तो डिफाइन किया नहीं है। अब इस लेआउट को, इस मर्ज को जिसमें हमने दो बटन्स जिसका कोई लेआउट डिफाइन नहीं किया है हमने, उसको किसी और लेआउट में यहाँ पे जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है उसमें मर्ज कर इंक्लूड कर देंगे तो क्या होगा कि वो दोनों बटन्स भी वर्टिकल ही अरेंज होंगे। अगर हमने इसको दूसरा लीनियर लेआउट बनाया होता तो देखा जाए तो उसका ओरिएंटेशन भी हम क्या रखते हैं वर्टिकल, तो ये भी वर्टिकल और जिसको इंक्लूड कर रहे हैं वो भी वर्टिकल, तो देखा जाए तो इसका कोई मायना नहीं रहता। इसके बजाय क्या किया हमने कि इसको मर्ज टेक के अंदर डिफाइन किया, कोई लेआउट नहीं। अब जो पेरेंट लेआउट है उसकी ही असर इन दोनों को रहेगी। आया समझ में? तो इस तरह से हम इंक्लूड और मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंट्स।